हाय, कैसे हो तुम सब? अरे वाह यार, बताओ, ऐसा लग रहा है हर हफ्ते एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है। मतलब तुम्हारा नहीं, मेरा। हर हफ्ते की लाइव चैट में, लास्ट लाइव चैट में बताओ ऐसा था और अभी थोड़ा सा ऐसा सा है। वैसा लग रहा हूँ आशिक आशिकी टाइप नहीं होते वो बेवड़े लोग, मतलब दारू वारू पी के वो ऐसे होते भंडे से और अजीब से लगता है, रफ से। नशेड़ी लग रहा हूँ यार मैं अभी बहुत ज़्यादा। थैंक यू। कोई ना, आ जाओ जी लाइव आ जाओ। हाय मनन जैन का पहला हाय आया है आज, क्या बात है। उस्मान अर्शद हाशमी कह रहे हैं हाय। हाय आयुषी परमार, हाय तानिया गिरी, हेलो दीक्षा अरोड़ा, हाय डोमिनिक टोरेटो टोरेटो, क्या मस्त नाम है। हिमांशु चिपा कह रहे हैं हेलो बना जी, हेलो हाय। सारा त्रिवेदी त्रवादी कह रहे हैं हेलो। अभिज्ञान अभी कह रहे हाय। हाय अंकित केसरी, हेलो आद्य श्रीवास्तव। डोमिनिक कह रहे हैं एक गान सुनाऊं भाई। आप सुनाओगे गाना या मैं सुनाऊं, बताओ। अनुष्का शर्मा, हेलो मोहित, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया अनुष्का, तू बता यार। अंजलि मोहित, हेलो मोहित, कैसे हो? मैं एकदम अच्छा अंजलि, आप कैसे हो? आशीष मेहर कह रहे हैं भाई लुक तो जबरदस्त है। अच्छा यार, थैंक यू भाई। ज्योति ज्योति कह रहे हैं मोहित मैं जा रही हूँ, अगर मुझे रोकना चाहते हो तो गाना गाओ बदन पे सितारे लपेटे हुए। कहाँ जा रही है यार ये, बताओ कैसी नौटंकी है? मेरे से ज़्यादा बड़ी नौटंकी निकली है तो मैं समझता मैं इससे थोड़ा नौटंकी हूँ। सयोनी घोष कह रही है हे हे सयोनी, हाय भक्ति। दीपक कह रहे हैं 100 लाइव चैट में वेलकम ब्रो, क्या बात है। ये 100 वाली लाइव चैट है, मतलब अपनी सेंचुरी हो गई लाइव चैट्स की। बताओ, सचिन मूवी भी रिलीज हो गई और सचिन के नाम की मतलब सेंचुरी भी लग गई, लाइव चैट की सेंचुरी लग गई अपने यहाँ पे। और सौरभ तिवारी कह रहे हैं भाई जी आपका सॉन्ग बड़ा मस्त था एंड हेलो सर। कौन सा सॉन्ग मस्त लगा सौरभ भाई, बताओ। अरे हाँ, आज तुम सब अभी लाइव आ जाओ ना, मेरे को तुम सबके साथ में एक पोल भी करना है, मतलब हमेशा से मेरी इच्छा थी पूछने की तो। अच्छा डोमिनिक कह रहे हैं आप गाना सुनाओ, मैं सुनाऊं, ऐसा है क्या? अरे यार, ये फेसबुक ने तो बड़ी मस्त चीज़ें कर दी यार। मैं अगर ऐसे राइट स्वाइप करता हूँ तो मेरे को लाइव व्यूअर्स दिखते हैं, कौन कौन लाइव देख रहे हैं, और उनकी बाकायदा DP भी दिखती है, मतलब प्रोफाइल फोटो भी दिखती है। जैसे अदिति जालन, दीक्षा अरोड़ा, मेहर शरण, श्रद्धांजलि साहू, कोपल, राहुल कुमार, एलिविया भट्टाचार्य, वैशाली पाटिल, भानु शर्मा, विकास कुमार स्वान, मोनिका अग्रवाल, तानिया गिरी, दिव्या पाठक, मुस्कान छाबड़ा, दीपाली राठड़ा, अभिज्ञान अभी, गजलांजुम, दीपा वाधवानी, श्रीष्टा तिवारी, श्रुति सेठ, अंकित अरमान, पूजा राठौर, नुपुर टाक, पूजा चौधरी। अरे यार बताओ, मतलब पूरे के पूरे सब लोगों का राइट स्वाइप करते ही मुझे सब लोगों के मतलब वो प्रोफाइल फोटोज दिख गई, कौन कौन लाइव है अभी। गजब यार, गजब बात है। तो प्रिया काजू मिश्रा एंड वन अदर जस्ट शेयर योर वीडियो, तो प्रिया काजू मिश्रा थैंक यू यार शेयर करने के लिए वीडियो, और जिन्होंने भी वीडियो शेयर किया उन सबको बहुत बहुत थैंक यू यार। हे यो यो, तो आंचल सिन्हा कह रहे हैं भाई भाई आ गया मेरा मौर्य वैभव, वाह। आकांक्षा सिंह, दिस इज माय सेकंड लाइव वीडियो। अच्छा बढ़िया यार, अभी कंटिन्यू रखना, देखो हम सब भी कंटिन्यू रहते हैं, मतलब मैं तो कंटिन्यू रहता ही हूँ और तुम सब भी आ जाते हैं अपने, बहुत सारे लोग, जैसे जैसे कौन कौन अपने रेगुलर मतलब क्या कहते हैं अपन, ग्राहक कहते हैं इस दुकान के, सुपर संडे विद एमजी के, वो रेगुलर हैं। तानिया गिरी जैसे हैं, पापिया वैद्य रेगुलर हैं, सागर सोलंकी का मैं शायद पहली बार कमेंट देख रहा हूँ, सोबिया किम खानी का भी शायद पहली बार कमेंट देख रहा हूँ, निकिता गोवे भी रेगुलर हैं, वो कह रही हाय। प्रीति प्रजापति गोला कह रहे हेलो, लुकिंग सो क्यूट। अच्छा थैंक यू यार प्रीति। राकेश सोहन कह रहे हैं सर एक बार फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। साहिबा सलूजा कह रहे हैं हे अमोहित यू आर रियली क्यूट, थैंक यू साहिबा सलूजा। नेल्सन मेसी एंड टेन अदर जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, थैंक यू नेल्सन मेसी। वाह, कनिष्क विश्वकर्मा कह रहे हैं सर योर फर्स्ट सॉन्ग ऑन रॉकस्टार स्टिल माय फेवरेट। लाखों निगाह में, जिंदगी की राह में,
सनम हसीन जफा, और होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात का। तो ये तो मेरा ही बहुत फेवरेट है यार दोस्त। पूजा सिंह कह रही, कैसे हो आप? मैं एकदम अच्छा हूँ पूजा, तुम कैसी हो और तुम सब कैसे हो? अच्छा अब तुम सब कैसे हो पहले तो ये बताओ, उसके बाद तुम सबसे एक बात पूछनी मुझे, जो मैं मतलब बहुत टाइम से पूछना चाह रहा था। बहुत टाइम से तो नहीं, मतलब अभी रिसेंटली जब से ये आया ना मामा माय बेबी अपना सॉन्ग आया, थर्ड स्टोरी सॉन्ग आया, तो उसके बाद से मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो अभी पहले तुम सब बताओ, तुम सब कैसे हो? कैसे हो कैसे हो? मोहित गॉड, यू कैन इनवाइट व्यूअर्स टू जॉइन योर लाइव वीडियो एज ऑन स्क्रीन गेस्ट, स्वाइप लेफ्ट टू सी हु इज अवेलेबल नाउ। है मतलब ये समझा नहीं मैं, ये क्या है चीज? एक मिनट, लेफ्ट कर देखते हैं। वीडियो ओनली मोड, स्वाइप लेफ्ट टू रिवील कमेंट्स एंड रिएक्शंस। यार ये फेसबुक के अलग अलग चीजें हैं, बताओ मुझ जैसा बेचारा अनपढ़ समझ में ही नहीं पाएगा क्या क्या बोल देते हैं अंग्रेजी में लोग। तो ईशानी नामदेव कह रही है, पता है आपका वोटिंग आईडी अभी तक मेरे पास सेव्ड है कपकेक के नाम से। क्या बात करी ईशानी, वोट कर दे फिर तो इसी बात पे। इस बार के संडे का परफॉर्मेंस अगर पसंद आया तो प्लीज वोट कीजिए 1800900001 पे। है यही था क्या, ऐसे कुछ था ना, वन था, मतलब मेरे को ये याद है लास्ट में बस। तो मोहित शर्मा कह रहा है, हाय मेरे भाई, जय श्री कृष्णा है, मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे, ऑसम सॉन्ग है यार। अरे वाह, तो वो बढ़िया है। आदर्श कह रहे हैं, अरे सुनो ना, वॉइस आपकी अच्छी है और गाना भी बहुत सुंदर गा रहे हो दादा। अरे थैंक यू आदर्श भाई। जुगल ठाकुर बहुत ही बढ़िया कह रहे हो, बहुत बढ़िया है जुगल ठाकुर। हाँ पहले तुम सब अब बताओ कैसे हो यार, तुम सब से सुनना चाहता हूँ मैं, क्या हाल चाल है तुम्हारे, क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे हो ये बताओ। अपनी भी थोड़ी बहुत बता दो यार बातें, मैं भी जान लूँ थोड़ा तुम्हारे बारे में। और पापिया वैद्य कह रहे हैं कि उनका तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और वो परेशान है इस मामले में। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, रिजल्ट से पहले देखो वो पेट में वाली गुदगुदी तो होती है भाई, मेरे भी होती थी पेट वाली गुदगुदी, बोलने वाला अजीब लगता है और होती है यार, वो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, और अच्छा वर्ड है बटरफ्लाईज इन माई स्टमक, हाँ ऐसा कुछ तो मतलब ऐसा होता है यार। वो रिजल्ट आने से पहले की एक्साइटमेंट होती है, फिर रिजल्ट आता है तो जिनका अच्छा आता है कितना भी अच्छा है ऐसे ही लगता है यार काश और आ जाता है यार, मैंने तो इतना परसेंटेज एक्सपेक्ट की थी भाई। मेरे जमाने में तो मतलब मेरे तो 76 आई थी 10th बोर्ड में और 73% आई थी 12th बोर्ड में, ऐसा चौड़ में रोया था ना मैं, मतलब रोया था क्या था, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड था कि और मेरे तो 88 से तो प्लस आएगी आएगी। खुद को मैं मतलब थोड़ा वैसा स्टूडेंट समझता था कि भाई मैं तो जीनियस हूँ, फिर जब मार्क्स आते थे तब सब सामने आ जाता था मार्क्स से। लेकिन मतलब अब मेरे को फील होता है मार्क्स से ना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे उस टाइम सब्जेक्ट में गाना बनाना होता तो शायद मेरे अच्छे मार्क्स आते, पर वो क्या है इस तरह सब्जेक्ट नहीं होता ना अपने स्कूल में, वही देसी सब्जेक्ट होते हैं साइंस मैथ्स और यही क्या क्या। तो ऐसा है भाई, सबका अलग अलग टैलेंट होता है यार। देखो अभी तुम्हारा जो टैलेंट होगा तुम उस सब्जेक्ट में देख लो एकदम नंबर फाड़ कर आ जाओगे एकदम उसका भी, लेकिन पेपर सही बनना चाहिए यार हिसाब का, ये नहीं कि ऐसे कुछ भी हर कुछ दे दिया। वो यार बहुत सारी चीज़ें यार छोड़ो ये सब ना, मार्क्स वार्क्स सिर्फ मतलब ये दिखाने की चीज़ें हैं, मार्कशीट में दिखा दो किसी को भाई मेरे 90 आए हैं, भाई मेरे इतने आए, बाकी और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किससे पूछ रहे हो सोचो तुम, उससे पूछ रहे हो जिसको खुद पढ़ाई का मतलब ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। है यार मतलब देखो बीटेक इंजीनियरिंग कर तो लिया अपन ने, थोड़ी बहुत पढ़ाई आती भी है जो नॉर्मल जो पढ़ाई होती थी, और उसमें साइंस में भी मेरा फिजिक्स बायोलॉजी और मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे। अरे तुम बताओ यार तुम्हारे कौन से फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे? हाँ चलो यार इसी, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे कुछ पता चल जाता है। तुम बताओ मुझे कि तुम्हारे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मेरे तो मैं बताता हूँ, देखो मैथ्स है, अभी रिजल्ट की बातें चल रही हैं, सब्जेक्ट की बातें चल रही हैं, तो मैं सोचा ये क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। देखो अड़े जुगल ठाकुर कह रहे हैं मेरा टैलेंट तो सिंगिंग में है, कैसा मेरा अड़े निकला, अरे की जगह अड़े अड़े होता है यार, कभी जबान लपलपा जाती है बिना सेंटर फ्रेश के भी। वाह क्या गंदा जोक था, क्या सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लग लो भाई, अरे ऐड आता था ना यार उसमें क्रिकेट के टाइम पे, हा हा। तो जयू पटेल कह रहे प्लीज सिंग फिर मैं पुकार तू भाई, अभी अभी गाई थी मैंने ये गाना गाई थी आप सबके लिए, आप जरूर बैक करके सुनना, मैंने गाया था ऑलरेडी ये गाना। पर पहले तुम ये बताओ तुम सबके फेवरेट फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? मेरे तो मैंने तुमको बताया कि मैथ्स,
सबसे टॉप पर तो देखो मेरे को इंग्लिश और हिंदी, मेरे को लिटरेचर बहुत पसंद है, मतलब अभी भी बहुत ही ज्यादा पसंद, खासकर पोएम्स और स्टोरीज पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था मेरे को। और मुझे मैथमेटिक्स और फिजिक्स बहुत पसंद थी और बायोलॉजी बहुत पसंद थी, ये मेरे फेवरेट थे। केमिस्ट्री में मैं डब्बा गोल था, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी हमारे सब्जेक्ट, उसमें तो मैं मतलब अरे पूछो ही मत यार, बकवास एकदम सड़क छाप था मैं, और मेरे सबसे कम मार्क्स केमिस्ट्री में ही आए थे, तो मैं केमिस्ट्री में बड़ा कमजोर था यार। और ड्राइंग में भी, ड्राइंग जैसे रवि ठाकुर ने कहा मेरा तो पेंटिंग है उनका फेवरेट सब्जेक्ट, पूजा कह रही है उनका इंग्लिश और साइंस है, तो भाई पेंटिंग में भी ड्राइंग में भी मैं बड़ा गंदा था यार। मैं पता है वो हर बार वही एक झोपड़पट्टी और वो सूरज और वो पहाड़ और नदियां बना देता था, और वो चिड़िया जो ऐसे कर कर ऐसे बन जाती थी ना चिड़िया, बस यूं ही बनाकर और चिड़िया बन गई। मैं तो बहुत ही गंदा था यार ड्राइंग में भी। और राहुल यादव कह रहे हैं उनका तो मैथ सब्जेक्ट है, तानी कह रही मेरे तो इंग्लिश ही फेवरेट है एंड आई एम थैंकफुल कि मैं सब्जेक्ट में एमए कर पाई। क्या बात है यार बताओ। वर्णमाला ने कहा है माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, इंग्लिश वाले बहुत है मतलब है। इंग्लिश में क्या पसंद क्या था तुम्हें इंग्लिश वालों, पहले मुझे ये बताओ। इंग्लिश में मुझे तो सिर्फ स्टोरी पढ़ना और वो अच्छा लगता था यार, ये पोएम्स, और मेरे को ग्रामर बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता था, ये टेंसेज वेंसेज और ये पता नहीं क्या क्या रूल्स वूल्स, ये मेरे को भाई मेरे बस की बात नहीं थी। मेरे को स्टोरीज और पोएम्स पढ़ना बड़ा मजा आता था। तुम्हें इंग्लिश क्यों पसंद है बताओ इंग्लिश वालों। जैसे आदर्श कह रहे हैं मेरा फेवरेट जनरल हिंदी, भाई बढ़िया, मेरे को हिंदी बहुत पसंद थी। और मेरे को भी सर बताओ हिंदी में भी ग्रामर वामर मेरे कभी पल्ले नहीं पड़ी यार, मेरे को तो सिर्फ स्टोरीज में मजा आता था, स्टोरीज और पोएम्स में। लिटरेचर इसीलिए पसंद थी, मैं तो स्टोरीज पढ़ने के लिए करता था यार, स्टोरीज कोई नहीं पढ़ने को मिला है, क्या होता था कैसे होता था ऐसे करके। और पोएम्स डार्जिलिंग सौम्य 19 अदर जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू डार्जिलिंग सौम्य, और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया यार बहुत दिल से थैंक यू तुम सबको यार। बताओ तुम भाई का वीडियो शेयर कर रहे हो। और रिया पुदार कह रहे मी टू केमिस्ट्री में डब्बा गुल, अच्छा ज्योति ज्योति अकाउंट के अलावा सब में डब्बा गुल है मेरा तो। चलो उनका मतलब फेवरेट अकाउंट तो है, कोई सब्जेक्ट तो उनका फेवरेट है ये वाला। पूजा कह रही बट मैथ बहुत हार्ड है सर। हाँ यार हार्ड तो है देख, पर मजा भी बहुत आता है, मतलब जब मेरे को सबसे ज्यादा मैथ्स में मजा क्या आता था, मतलब कोई ऐसी वो क्या उसको कोई बड़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात नहीं है, शो ऑफ करने की बात नहीं है, पर मेरे को मैथ्स में ना खुद के सॉल्यूशंस निकालना बहुत अच्छा लगता था। मतलब जो टीचर जो बताते थे या जो बुक में वे दे रखा होता था कि इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उससे ज्यादा मुझे मजा मुझे इसमें आता था कि अलग कौन सा तरीका हो सकता है जिसमें आप इस क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मजा आता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बायोटेक इंजीनियर बनूंगा और मैं साइंटिस्ट बनूंगा और मैं रिसर्च करूंगा और कुछ नई नई खोजें करूंगा, इन्वेंशन करूंगा, पर फिर बाद में पता चला भाई तेरे को तो म्यूजिक से और भी ज्यादा प्यार है, तो धीरे धीरे मतलब लाइफ में क्या कहते हैं वो परतें खुलती गई, राज उजागर होते गए, सच्चाई सामने आ गई। रुपेश कुमार कह रहे हैं मुझे कंप्यूटर्स बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा मार्क्स प्लस टू में मेरे इसी में आए थे। क्या बात है रुपेश भाई, कंप्यूटर्स में मैं तो डब्बा गोल था यार, कंप्यूटर्स मुझे आज तक समझ नहीं आया। लैपटॉप में मुझे बस फेसबुक खोलना आता है और गूगल करना आता है, और बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आजू बाजू वाले से पूछता हूँ यार। वंशिया त्रिशला कह रहे हैं व्हेन यू से अरे माय हार्ट स्किप्स अ बीट, अरे यार क्या बात है यार थैंक यू, तो फिर तो मैं तेरी धड़कन रोकता हूँ एकदम फिल्मी वाले डायलॉग में, अरे 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 माता वैसे तुम्हारी धड़कन ही रुक जाएगी हैं। क्या यार कितने गंदे जोक्स मारो बिना टाइमिंग के, हंसी भी नहीं आएगी किसी को, खैर मुझे खुद को नहीं आ रही लेकिन क्या करूँ क्या करूँ, वो लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर। राहुल बोसरिया कह रहे हैं अकाउंट के अलावा मैं सभी में डब्बा हूँ, अच्छा। धरती कह रहे हैं आई डोंट लाइक मैथ्स। अन्या सिमरा कह रहे मोहित 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 जी सुनो ना मेरी बात, सुनाओ 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 अन्या जी तुम्हारी तुम्हारी बात। त्रिशला कह रही मैथ्स नहीं। सुविधि चौरैया कह रही है आई लव केमिस्ट्री, अरे यार सुविधि बताओ कैसे केमिस्ट्री मतलब पसंद आ सकती है, पर मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती थी। इनऑर्गेनिक थोड़ी सी पड़ जाती, ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं पड़ती थी, अभी मैंने गलती से पहले बोल दिया कि इनऑर्गेनिक मुझे मतलब नहीं पसंद थी, नहीं नहीं इनऑर्गेनिक फिर भी समझ में आ जाती थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ती थी, खासकर उसके डायग्राम्स वगैरह ना बिल्कुल भाई साहब दिमाग में मतलब जाते ही थे। फैजा की यानी कह रही है मैं भी कंप्यूटर में डब्बा गुम हूँ अब तक, अरे यार बताओ सब मेरे जैसे भी हैं काफी सारे, मतलब अच्छा लग रहा है। अदा कह रही है बायोलॉजी केमिस्ट्री डब्बा गुल, बायोलॉजी अच्छी लगती है उनको और केमिस्ट्री में डब्बा गुल है। ओके
वो मेरी तरह, मतलब क्या बात है। चांदनी गुप्ता कह रहे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है आपका कपकेक सॉन्ग। अरे ये तो शानदार सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में मैं तुम्हें 100 out of 100 मार्क्स दे सकता हूँ अगर तुम मुझे गाना गाकर सुनाओ कभी कपकेक। तो मतलब यार मेरे को अच्छा लगेगा तुम सब मेरे गाने गाओगे। तो मैं सच बताऊँ तो मेरा तो यही एम था सबसे पहले भाई, कि मैं गाने बनाता था ना तो और कुछ नहीं था कि किसी म्यूजिक किसी मूवी में फिल्म देना हो या बहुत बड़ा आदमी बन जाना है, गाना बेचना है या पैसे कमाना है, ऐसा कुछ नहीं था भाई। मेरा तो ये था कि मतलब मेरे गाने ना दुनिया के सब लोग गाएं बस, कैसे भी पता नहीं। मेरे को पहले मेथड नहीं पता था, आज से 10-15 साल पहले जब गाने लिखना शुरू किया था तो 10-15 साल नहीं है, 10 साल ही हाँ, मतलब जब मैं 14-15 साल का था तब मैंने फर्स्ट टाइम गाना लिखना और पोएम्स लिखना शुरू किया था। तो मैं सोचा था कि यार मेरे गाने भी लोग एक दिन गाए बस, मेरे को जाने ना जाने, मेरे को याद रखे ना रखे, मेरे गाने मतलब जरूर वो गाए गुनगुनाए, और मतलब मैं कभी किसी को सुनता हुआ गाता हुआ देख लूँ मेरा गाना, तो मेरे को मतलब उसमें बड़ी खुशी थी। निधि चौकानी कह रही है मुझे भी केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ती भाई, सब मेरे जैसे हो मतलब यहाँ पे। ईशानी नाम दे कह रहे हैं यार मोहित ने नेट की माँ नाम है मैं थोड़ा अलग वे में पढ़ लिया सॉरी, वो क्या है वो आम भाषा में जैसे बोलते हैं वैसा मैं कुछ पढ़ लिया सॉरी यार, इंटेंशन वो नहीं था मेरा। नीता सिंह कह रही है वॉन्टेड टू सी यू लाइव फॉर सो लॉन्ग फाइनली गॉट द चांस, ये नीता ग्लैड टू सी यू लाइव टू। आनंद किया कह रहा भाई माय रेस्टोरेंट इज गोइंग टू ओपन इन फ्यू डेज, ओपनिंग में वांट यू टू कम एज एन चीफ गेस्ट। क्या बात है आनंद भाई यार, ये तो बहुत अमेजिंग बात है आनंद भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन तुझे तेरे रेस्टोरेंट के लिए। और मैं जयपुर में जब भी आऊंगा भाई तेरे रेस्टोरेंट में आऊंगा और खाना खाऊंगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा तुझे देख ले भाई का, भाई को डिस्काउंट, भाई का डिस्काउंट। तो धरती ठाकुर कह रहे पहली बार लाइव देख रही हूँ तो प्लीज कुछ तो रिप्लाई कर दो। रिप्लाई तो देखो अभी मैंने सबका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा तो आप भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता सकते हो, तो अभी अपन वो टॉपिक पर बात कर रहे थे, अब टॉपिक चेंज कर रहे हैं। तो टॉपिक चेंज ये है कि जो मैं तुम सबसे शुरुआत से पूछना चाहता हूँ, जब से मामा माई बेबी अपना थर्ड स्टोरी सॉन्ग आ गया है तो मैं तुम सबसे पूछना चाहता था कि तुम्हें अपने 3 स्टोरी सॉन्ग रिलीज हुए अभी तक, कपकेक का स्टोरी सॉन्ग और बी माई वैलेंटाइन स्टोरी सॉन्ग और अपना मामा मामा स्टोरी सॉन्ग मदर्स डे स्पेशल स्टोरी सॉन्ग मामा मामा माई बेबे। तो तुम्हें इन तीनों स्टोरी सॉन्ग में से एक तुम्हें सबसे फेवरेट बताना है। अब तुम डिप्लोमैट मत होना कि मतलब तीनों फेवरेट है ऐसा करके, या इतना बुरे भी मत बनना कि कहो कि कोई भी फेवरेट नहीं है भाई तेरे तो गाने ही नहीं पसंद, ऐसा भी मत करना। कोई एक फेवरेट बताओ इन तीनों सब्जेक्ट बोल रहा हूँ मैं भी यार, सब्जेक्ट सब्जेक्ट दिमाग में आ गया है, बताओ ऊपर को कैसे घुस गया मतलब भेजे मैं सब। तो अभी मैं चाहता हूँ तुम सब बिंदास हो गए, तुम बताओ तुम्हारे इन तीनों स्टोरी सॉन्ग में तुम्हारा पर्सनल फेवरेट स्टोरी सॉन्ग कौन सा है, कपकेक स्टोरी सॉन्ग, बी माय वैलेंटाइन स्टोरी सॉन्ग या फिर मामा स्टोरी सॉन्ग मामा माय बेबी। एक स्टोरी सॉन्ग तुम्हारा जो सबसे फेवरेट है वो तुम बताओ प्लीज, मुझे जानना है। मतलब ये मुझे भी तो पता चले यार कि अभी इन तीनों गानों में से सबसे अच्छा गाना तुम्हें कौन सा लगा है। कोई सा भी नहीं लगा हो तो कुछ मत बोलना यार, ऐसा मत बोलना थोड़ा दिल मेरा टूट जाता है। साक्षी एंड 27 अदर जो शेयर योर वीडियो, थैंक यू साक्षी फॉर शेयरिंग द वीडियो, और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया उन सबको थैंक यू यार, जितने भी लोग अभी लाइव है उन सबको बहुत बहुत थैंक यू है, प्यार भरा प्यार है मेरी तरफ से, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू यार। तो अब टाइम है तुम्हारे पोल का, तुम्हारे इस लाइव पोल का, लाइव कमेंट पोल का, कि तुम्हें तीनों स्टोरी सॉन्ग में सबसे बेस्ट सबसे फेवरेट तुम्हारा कौन सा स्टोरी सॉन्ग है, कपकेक स्टोरी सॉन्ग, बीमा वैलेंटाइन स्टोरी सॉन्ग या मामा स्टोरी सॉन्ग। तो डोमिनिक कह रहे हैं मामा उनका फेवरेट है, क्या बात है यार। प्रमिला कह रही है कपकेक, भक्ति कह रही है आई लव कपकेक फॉरएवर फेवरेट, ओहो। तानिया कह रही है ओ मामा माय बेबी मेरा फेवरेट है, अच्छा उनका फेवरेट मामा है। ज्योति कह रही है मोहित लव योर ऑल स्टोरी सॉन्ग्स कपकेक बेस्ट है, हाँ। स्वाति यार मेरा ना सेकंड टाइम है आपके साथ लाइव चैट, कसम से बहुत खुश हूँ मैं, आई होप कि मैं आपके और लाइव चैट में प्रेजेंट रहूँ भाई भैयू भाई भाई। ग्लोरियस अनुराग कह रहे हैं ओ मामा माय बेबी इज माय फेवरेट, क्या बात है यार मस्त मजा आ गया। आदित्य कह रहे मामा वाला मेरा फेवरेट लगा, रियल केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड योर मॉम, यो। गार्गी शर्मा कह रहे कपकेक, हेमा दनवाल कह रही है कपकेक इज माय फेवरेट प्लीज सिंग दिस सॉन्ग, अच्छा। तो जिस भी सॉन्ग का सबसे ज्यादा कमेंट आएगा ना वो मैं अभी की अभी गाऊंगा, अगर कपकेक के ज्यादा कमेंट आते हैं कपकेक ज्यादा पसंद हो कपकेक लाइव गाऊंगा अभी, अगर मामा ज्यादा पसंद हो मामा स्टोरी सॉन्ग अभी गाऊंगा, अगर बीमा वैलेंटाइन ज्यादा पसंद आए तो बीमा वैलेंटाइन अभी अभी गाऊंगा। तो देखते हैं सबसे ज्यादा वोट किसको आते हैं।
कपकेक पूजा सिंह का वोट जाता है, कपकेक को पल्लवी कह रहे हैं, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, आपके सॉन्ग्स को कंपेयर नहीं कर सकती मैं, अरे नहीं 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 बताना पड़ेगा तुम्हें। बंशिया कह रहे हैं कपकेक उनका फेवरेट है। अदिति कर्मा कह रहे हैं आप रिप्लाई नहीं देते हो, मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ, अरे अदिति कमेंट तो करो। अफसाना कह रहे मेरे तो मम्मा माय बेबी वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा, इतना अच्छा गाया आपने, ऊपर से आपका मम्मा ने चार चांद लगा दिया उसमें। बिल्कुल सच बात है ये, मम्मी क्या थी तो मतलब यार मेरी इच्छा भी थी कि मतलब मम्मी फीचर करे इस वीडियो में, उनकी इच्छा थी फीचर करने की हमेशा वीडियो में। वाह क्या सेम सा डायलॉग है ना। तो ऐश्वर्या मंडल कह रहे ओ मैं तुम पे लाइन मार रही हूँ और तुम हो कि घास भी नहीं डाल रहे हो, ऐसा है क्या ऐश्वर्या? यार मुझे तेरा कमेंट ही अभी दिख रहा है यार, अभी पता चला भाई। ओह सॉरी ऐश्वर्या, सॉरी यार मेरी आदत है बताया कैसे बोलने की बोल चाल में, भाई भाई बोलने की दोस्तों को। तो मोनिका अग्रवाल एंड 35 अदर जो शेयर वीडियो, थैंक यू मोनिका। और ऐश्वर्या मैंने घास किया, मैं तेरे को पूरा तबेला डाल दूंगा, तू लाइन मार रही है तो यार मेरे को सब चलेगा भाई। प्यार है यार, प्यार का हर तरीके से आप इजहार कर सकते हो, थैंक यू ऐश्वर्या। और कनिका कह रहे हैं कपकेक भाई सॉन्ग, कपकेक उनका फेवरेट है। निकिता कह रहे हैं बीमा वैलेंटाइन उनका फेवरेट है, अच्छा। और अक्षता खंडेलवाल कह रही है मोहित भैया वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, बट इफ आई हैव टू चूज वन आई विल चूज कपकेक, ओके। और अनिका कह रही है मोमा, ज्योति ज्योति कपकेक, गारगारी कपकेक, ईशानी फेवरेट तो कपकेक आपकी याद दिलाता है, और मोमा मम्मी की और वैलेंटाइन सॉन्ग याद आए जिसे सुन के ऐसा कोई है ही नहीं। वाह क्या बात है ईशानी, गजब का कमेंट था तुम्हारा तो यार। सौरभ भाटी कह रहे हैं मैं भी कपकेक बहुत बार गाता हूँ, अच्छा आपके फ्रेंड्स के आगे आपकी बदौलत थोड़ा फेमस हो गया मैं भी, अरे यार बढ़िया यार सौरभ भाई, मुझे भी गाकर सुनाओ फिर यार, तुम मुझे भी गाकर सेंड करो वीडियो कपकेक का। आंचल सिन्हा कह रही है मोमा उनका फेवरेट है। सलोनी कह रहे हैं कपकेक सॉन्ग फॉरएवर फेवरेट है। और इसी बीच में ताजा खबर आ रही है कि सरफराज YSF ने शेयर कर दिया हमारा वीडियो, तो सरफराज थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वीडियो, और जितने भी लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो सबको बहुत बहुत थैंक यू है जी यार। और इसी के साथ में अगर मुझे अभी चूज करना पड़े, वो चूज करना पड़ेगी कौन से को सबसे ज्यादा कमेंट्स मिले, तो यार कपकेक को और मामा को दोनों को इक्वल कमेंट्स मिले हैं, तो दोनों करते हैं ठीक है। कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूं, कि कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कपकेक है, ओ मामा माय बेबी। और जितनी सारी खुशियां सब तूने ही दी है, सबसे प्यारी भोली भाली, और छोटू सी तो गुड़िया है सबके लिए, ओ मामा माय बेबी, ओ मामा माय बेबी। और इसी के साथ एक और ताजा खबर ये है कि अपनी बैटरी जाने वाली है फोन की, और टाइम भी हो गया है खैर अभी जाने का। और जाने से पहले हम सब एक दूसरे को एक बहुत ही प्यारा सा कन्फेशन करते हैं, जो अभी अभी नए ताजा तरीन लोग आए हैं इस लाइव चैट में फर्स्ट टाइम में, जिनकी उनको बताना चाहता हूँ कि हम ना बहुत ही मतलब एकदम खुल्लम खुल्ला इजहार करते थे अपने प्यार को, और एक दूसरे को बहुत ही प्यार से आंखों में आंखें डाल के, मतलब आंखों में आंखें तो नहीं कर सकते, फोन की आंखों में आंखें डाल के, कैमरे की आंखों में आंखें डाल के हम कहते हैं एक दूसरे को आई लव यू, और आई लव यू है जी। फिर से नेक्स्ट वीक जरूर मिलेंगे सुपर संडे विद MG में 9 PM पे, और अभी नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए बहुत सारी बातें करेंगे हर साथ में। और अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा वापस से तुम सबसे बात करके, आई होप तुम सबको भी मजा आया हो, नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, आते रहा करो लाइव चैट, अपन तो बातें करने आते हैं, बातों में मजा आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है, बातें तो बातें होती हैं, बातों का क्या मेरी जाने मानो, ठीक है। तो आई लव यू है जी बहुत सारा हमेशा रहेगा, एंड टेक केयर। और तुम्हारा आई लव यू सुने बिना तो जाऊंगा नहीं मैं। तो शीला शर्मा कह रही है आई लव यू शीला। निकिता गुहे कह रहे नहीं मजा हुआ ऐसा नहीं ना यार, निकिता यार आई लव यू बोल देना जाने का अपन को यार। तानिया गिरी कह रहे लव यू लव यू लव यू। हेमा शर्मा कह रही है सो स्वीट मोहित, थैंक यू हेमा। शालिनी गुप्ता कह रहे आई लव यू टू, यस शेफाली लव यू कपकेक आई लव यू टू। निकिता गोई कह रहे हैं लव यू
अरे लव यू यार पल्लवी चौहान, लव यू की डिबाई, थैंक यू पल्लवी, आई लव यू टू। अदिति को करमार करें, लव यू भैया, लव यू यार अदिति, मलिक ने हूँ, लव यू, आई लव यू ऑल। सो नाउ टेक केयर, गुड नाइट, सी यू सून है जी।